मन में अश्लील विचार आते हैं, जिस वजह से किसी काम पर मेरा मन लग नहीं पाता है, क्या करें? इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आप अपनी बुद्धि पर कैसे काबू कर सकते हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बुद्ध एक शिष्य की कहानी सुनाते हैं जो लड़कियों को पानी भरते हुए देखकर पागल हो जाता है और वो किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता है। अंततः उसके गुरु उसे रंगे हाथों लड़कियों का देखते हुए पकड़ लेते हैं और उसे वासना की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। उसे याद दिलाते हैं कि समस्या लड़कियां नहीं बल्कि उसका अपना मन है। हम जिस संगति में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। अच्छी संगति हमें अच्छे विचार विकसित करने में मदद करती है। इस कहानी में एक शिष्य बुरे प्रभाव के साथ समय बिताने के बाद क्रोधित और बेचैन रहने लगा। उसने अपने मन को नियंत्रित करने और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए संघर्ष किया। गुरु शिष्य को एक बगीचे में ले गए और उससे नदी में पानी का प्रवाह रोकने को कहा। शिष्य ने कई तरीके अपनाए लेकिन पानी रोकने में असफल रहा। गुरु ने समझाया कि जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही गंदे विचार हमेशा हमारे दिमाग में रास्ता ढूंढ लेते हैं। शिष्य को एहसास हुआ कि बुरे विचारों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास ही उन्हें मजबूत बनाता है। दोस्तों, एक दूसरी कहानी जिसकी मदद से मन के गंदे विचार पूरी तरह खत्म होंगे, उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्रविका के घर भेजा। भरत भी बुद्ध की बताए अनुसार उस श्रविका के घर पर जाने के लिए निकलते हैं। भरत पूरे रास्ते मन में ये सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उससे उसे संतुष्ट होना पड़ेगा। श्रविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्रविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्रविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पनसदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत यही सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्रविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्रविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहां ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्रविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्रविका ने हां में उत्तर दिया और कहा कि हां, मैं मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्रविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्रविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्रविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्रविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्रविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना, तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए
बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने उससे भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। दोस्तों, एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे एक झील से गुजर रहे थे जो आसपास के गांवों को पानी की पूर्ति करती थी। गर्मी का दिन था और बुद्ध को प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को झील से पानी लाने के लिए भेजा। जब शिष्य झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बैलगाड़ी अभी अभी झील पार करने के बाद से पानी बहुत गंदा हो गया था। पानी को उपभोग के लिए अयोग्य पाते हुए वह वापस चला गया और बुद्ध को अगले उपलब्ध जल निकाय में जाने का सुझाव दिया। आश्चर्य की बात यह है कि बुद्ध ने समूह को वहीं रुकने के लिए कहा और उसी शिष्य को एक घंटे के बाद उसी झील से पानी लाने को कहा। शिष्य आज्ञाकारी होकर एक घंटे के बाद वापस चला गया। इस बार भी उन्होंने पाया कि पानी गंदा था, हालांकि पहले की तुलना में बहुत कम। बुद्ध ने उसे फिर से एक और घंटे में वापस जाने के लिए कहा। तीसरी बार शिष्य ने पाया कि कीचड़ नीचे बैठ गया है और पानी पीने के लिए पर्याप्त साफ है। उसने एक बर्तन में थोड़ा पानी इकट्ठा किया और बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी की ओर देखा और कहा, आपने गंदे पानी को साफ करने की चुनौती कैसे हल की? कुछ न करके आपने इसे रहने दिया। समय के साथ कीचड़ अपने आप बैठ गया और आपको साफ पानी मिला। हमारा दिमाग भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। एक अशांत मन गंदे पानी के समान है। अशांत मन की समस्या को हल करने के लिए आप कुछ नहीं करते, आप इसे रहने देते हैं। समय के साथ अशांति अपने आप शांत हो जाएगी और आपको मिल जाएगा। स्पष्ट और शांत मन, मन को शांत करने की प्रक्रिया सरल है। देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है या जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं, ये लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है ना, उनके विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको क्षणिक सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो डराएंगे। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करना है और अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि यह विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं ना, अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच नहीं है, वो है नहीं। उदाहरण के लिए, आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं जब आप अपने मन में ठान लोगों की जो कुछ भी मुझे विचार आते हैं या मुझे जो लगता है वो सच नहीं होता, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको गंदे विचारों से बचा सकती है। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको ये समझाएगी कि सही है और क्या गलत। मन यदि किसी छोटी बात पर उलझा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नहीं है। आप एक प्रेमहीन उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय पर पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी है, कंकड़ है, गड्ढे हैं। अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर ना हो जाए या शोकर खराब ना हो जाए?
आप तो बस मंजिल को याद करके आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहां मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं, या फिर गर्मियों के दिन है, पंखा धीरे चल रहा है, आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे नहीं ना, आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्रिका को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे इतना समय किसके पास है जो इन चीजों पर ध्यान देगा। अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजार कर जीवन गंवा रहे हो। अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हैं, तो भी गंदे विचार आ सकते हैं। दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले, तो यही बात मन में दोहराएं कि विचार हैं, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है, घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार की सुनते हुए जरूरी कार्य की खातिर बाहर नहीं निकलते? निकलते हैं ना। इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाए। विचार तो आते रहेंगे, पर एक बात तय है, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छीन जाने का विचार आता है, वास्तव में है तो यह सिर्फ एक ख्याल है, पर जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में लग जाता है। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा मिलता है नहीं। तो जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो अपने मन कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूंगा जो सही है। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गंदे विचार साफ कैसे करें। एक विशाल सा गांव था जिसमें एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही विलासी था, हर समय उसके मन में भोग विलास सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वह खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर आदत से लाचार वे विचार उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ। वह संत से अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक एक माह बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें कुत्सित विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूं? और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होगी। वह व्यक्ति चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब क्या होगा, चलो समय रहते। यह तो मालूम हुआ कि मेरे पास समय कम है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया। परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक हो तो पुण्य काम लगेगा। वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रहा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन कर ले। संत ने देखते ही कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र एक दिन शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी है क्या? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा। संत हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इससे होगा एक ही, तुम्हारा मन तुम्हें गंदे विचारों से बचाया रखेगा। इसलिए मन में अगर गंदे विचार आते हो तो हमें उन गंदे विचारों को ना सोते हुए अपने सही कार्य की और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे तुम्हारा मन साफ होगा और तुम्हें गंदे विचार आना बंद होंगे। गंदे विचारों को दूर करने का एक ही रास्ता है, अपने मन को तुम्हें बताना होगा कि आज से मैं किसी भी प्रकार के गंदे विचारों को अपने मन में थोड़ी भी जगह नहीं दूंगा। और बार बार इस चीज का चिंतन करके तुम्हारा मन अपने आप साफ होने लगेगा और गंदे विचार मन से दूर होने लगेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की गंदे विचारों पर यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमो बुद्धाय।